ये जनाब कुत्ते दा नाम शाइना डायमंड ते बहुत अच्छा ग्रे हाउंड है, आयरिश ब्रीड है, आयरलैंड तो इंपोर्ट किया सी। इहदी मां जिहड़ी क्लास ट्रैक्शन ते बहुत अच्छा परफॉर्मर कुत्ता है, बाहर दा भी 4 कप दा विनर है, पाकिस्तान आके भी बहुत अच्छा दौड़िया है 2-3 रेसां च। फिर ड्यू टू इंजरी मतलब यदि तली पाट गई सी एक रेस दौड़द्या, उस तो बाद रिटायर कर दिता। उस तो अगले साल भी एक रेस भजाई, फिर रिकवर करके रेस दौड़िया तो बहुत अच्छा मतलब ये रेस जीत गया सी डोरिया ने, गुरने पठान। तो हूँ ये असं रिटायर कर दिता है, हूँ स्टड वास्ते अवेलेबल है। अपन कुत्तिया भी असं क्रॉस कराने, बाकी दोस्तों बाबा की भी कराने, स्टड फीस तो असं लाया है जी। बहुत क्लास का कुत्ता जी, खास करके जी इसकी माँ जी जो क्लास ट्रक्शन है, क्लास ट्रक्शन टॉप क्लास की कुत्ती है जी। 6 कप उत्थे जीती है, 1 कप सैकेंड आई है, तो माशाल्लाह जी टॉप उत्थे 10 है ना, उन्होंने पहले दूसरे नंबर वाली कुत्ती है। इसते बच्चा होर इतने पाकिस्तान तो कोई नहीं आया जी, ये एक वैद ही कुत्ता है। तो उस तो इलावा इसकी एक बैंड जी गुरे की बैंड है शेयर द ड्रीम, वो भी 6 कप दौड़ी है, 6-6 ही दीती है। ये कुत्ता बहुत ही हाई क्लास का है, खास करके ब्रीड वाइज या परफॉर्मेंस के लिहाज नाल। तो आयरलैंड भी बहुत टॉप का दौड़िया, पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा टॉप का दौड़िया। तो इसका आडियो अलंसो है, आडियो अलंसो भी कोई भी तारीफ का मुताज नहीं है, वह भी 2-3 दफा स्टार्ट ऑफ द ईयर बनया। तो उस तो बाद बहुत टॉप क्लास है जी हर लिहाज नाल। इस ग्रेहाउंड का नाँ है हाईबरी, पेडिग्री वाइज ना हाईबरी है, तो पाकिस्तान ये चनियोड़ प्रिंस ना दा भी दौड़िया, आयरलैंड तो इंपोर्ट किया। आयरलैंड इसकी परफॉर्मेंस रही है भी डरबी का हार्ट फेवरेट कुत्ता, तो टास से नो कोर्स हो गया, तो उस टास से कुत्ता जो दूसरा जिताया गया, 1 कप का विनर है, एवरेज कप का फेवरेट कुत्ता। फिर करोना होया तो करोना की प्रॉब्लम की वजह तो ये फिर दौड़ा ना सके। इसका प्यो न्यू इन वंडर है जी, बहुत टॉप क्लास का कुत्ता है जी, तकरीबन 3-4 साल लगातार स्टार्ट ऑफ द ईयर इंग्लैंड रहा है। माँ इसकी डिस्क बिंबो है, बहुत आउट क्लास कुत्ती है जी। डिस्क बिंबो 5 रेसा दौड़ी तो 5 जीती जी, बहुत क्लास की कुत्ती है। मेरे ख्याल मैंने तो कोई नहीं अंदाजा भी उसने कोई बच्चा इतने पाकिस्तान किसी इंपोर्ट किया हो डिस्क बिंबो का। पाकिस्तान सीजन करोना के थोड़ा शार्ट आ, लेकिन जिहड़ियां 2-3 रेसां दौड़िया जी, एक रेस जितया जी फस्ट आया कुर सिंह, तो एक रेस सैकेंड आ, तो बाकी सीजन थोड़ा शार्ट आ, इस वजह तो कोई खास दौड़ा नहीं सके। डोरिया की 2 रेसां दौड़ाया, उन्होंने भी इनाम इस हासिल किया। पाकिस्तान आया 2020 जी, ये आयरिश ब्रीड है, आयरिश कोर्सिंग ब्रीड है जी, मुकम्मल कोर्सिंग ब्रीड का। तो हूँ इंशाल्लाह इसकी असं ब्रीड करा रहे हैं, बच्चे इसके जड़े ने लै रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसके बच्चे बड़े परफॉर्म कर सकते। इसकी उम्र हूँ मेरे ख्याल 5 साल का है जी, नहीं दौड़न के काबिल तो नहीं है, एज ए स्टड इस्तेमाल हो रहा है। असी आप भी कुत्ती तो मिला रहे हैं, तो बाकी अजीज दोस्त भी जोड़े हैं जी, वो भी इंशाल्लाह मिला रहे हैं, तो बच्चे चिबड़े दे रहे जी। जी भाई जान, कौर सिंह ब्रीड का कुत्ता है जी, ब्राड विलिस का नाँ है, तो आयरलैंड तो सा इंपोर्ट किया, लवा खतूरा जी लैंदा सा,
तो अपने साल का है अनबीटेबल आ कुत्ता। हर बंदे क्योंकि साढ़े कुत्ते जोड़े आते हैं जी, अक्सर ही जो कुत्ते साढ़े को बी जिन्हें नाल कुत्ते लगे तो बंदे आते हैं बी ना ही लगे। वह दे कुत्ता असं मनते जिस दाल कुत्ता किसी लगे तो उन्होंने महसूस होंगे भी इस कुत्ते बचा रहे साढ़ा रेस। तो जदा यह कुत्ता भजदा रहा है इसनों किसी कुत्ते नहीं मारिया सिवाय इस दे बुलण दे, भज के इसनों किसी नहीं मारिया। तो उस सीजन का चैंपियन कुत्ता रहा है, बड़े अच्छे अच्छे कुत्ते भी आए लेकिन इस कुत्ते किसी ने भी किड़ा है कोई कुत्ता इसनों मार नहीं सकिया। तो इतने ज़्यादा वेट होवन के बावजूद किड़ा है ना जी ये अर्ली पेस हों कोई कुत्ता इस तू जूड़े भी पहले ना निकलता। तो असा हम इस बिल्कुल हूँ थोड़ी जी फीस रखे हुआ स्टड कुत्ता है बई क्योंकि असी अपनी शौक अगर वधेना चाहते हैं शिकारिया बच्चे आवेनो हर बंदे को अच्छे कुत्ते आवेनो स्टड ते कुत्ते रखने की वजह भी यही है साड़ी बई कुत्ते अगर मेले जावे तो उन्होंने बच्चे अच्छे उसन गए ग्राउंड मुकाबले उसन गए। तो मुकाबले अगर चंगे कुत्ते हो तो उन्होंने बजन का ही जी मज़ा भी आता है शौक भी वही है। अगर हर बंदे को बैड़े कुत्ते हो उस मुड़ पता होता है फलाने जितना आया सानू स्टार्ट रखण की सारे तो मेन वजह ये है भी असर थोड़ी थोड़ी फीस तो सारे कुत्ते रखे हुए भी बंदे कुतिया मिल सन अच्छे अच्छे कुत्तिया के अच्छे अच्छे बच्चे उस दिन गए मुकाबले उस दिन गए एक दिलचस्प क्योंकि ये शौक इस वजह तो आए भाई इस इंजॉय किया जाए तो मुकाबले होवेन तो उस रेस दे वेखण का साह हुंदा है। तो बहुत अच्छा कुत्ता है भाई जी साडा। ये संपोर्ट किया 2019 इंपोर्ट उस सीजन तो इसनों किसी कुत्ते नहीं मारिया बिल्कुल ही चैंपियन ही कुत्ता रहा है जी। ये भी न्यू एंड वंडर का ही बच्चा है जी एवरी तो इसका माँ प्यो एक ही है जी माँ तो उसकी होर है तो इसकी माँ होर है प्यो इन्हों एक है जी न्यू एंड वंडर है। ये बिल्कुल बच्चा अजी तकरीबन 16-17 महीने इसकी उम्र आई ये दो लियांदियां जी बहन भीरा इसकी बहन एक आई जी मिस बंटी बहुत अच्छी कुत्ती आई वह भी जी बड़े अच्छे रेसा जीतिया तो ये भी बहुत रेसा जीतिया जी कोई रेस नहीं जिस गया हो सिवाय बुलण छुलण की वजह तो कि ना जितया हो तकरीबन उस सीजन दिया ये सारिया ही रेसा जिस नहीं पाया मुड़ उस घेड़ा होंगे जिस जिस पेंदे रहा जी उस जितना कोई कोई एक दुकारा हो सकता जो रेस ना इस जीती हो जी भाई जी ये जी ट्रैक ब्रीड का कुत्ता है जी किंग नैलसन इस ना है जी बस किंग नैलसन हूँ ना ही इनका एक है ब्रांड एक है अगर इसका तारा की जरूरत नहीं तो जदा ने आया है जी अपने सीजन इस अक्सर डरबिया जी विन कीतिया नहीं तो हर डरबी का फाइनल गया जी और एक उस सीजन नहीं सैकेंड सीजन भी जदा आया तो हर डरबी के फाइनल गया जी हर डरबी का फाइनलिस्ट कुत्ता सैकेंड सीजन। तो हूँ असं जी इसनों स्टार्ट तो डकिया हो जी तो अल्लाह खैर करे जी कोशिश करते पे जी तो हूँ कुत्ता सुस्त देगा बच्चे रक्षा है जी क्योंकि इोजा कुत्ता पाकिस्तान जी घट हों पाकिस्तान इस तरह के इनका ब्याह जड़ा है उत्थे भी शायद खलोता हुआ जी तो कम कुत्ते हैं जी इस लेवल दे बस साड़ी खुशकिस्मती है जी भाई साढ़े कोल कुत्ता खलोता हुआ जी नहीं तो योजे कुत्ते अक्सर कोई नहीं आते जी इतने यूके की जी ब्रीड है जी ये तकरीबन 2.5-3 साल का जी इत आया है जी पाकिस्तान अपने सीजन जी डरबिया जी पाकिस्तान एक सीजन दौड़िया है तकरीबन 10-11 डरबिया दौड़िया जी तो फिर मोस्टली डरबिया डरबिया का विनर कुत्ता है ना जी तो उन फाइनलिस्ट हर डरबी का है जी दूसरे सीजन भी बजाया गया है तो हर डरबी के फाइनल गया जी। इस ग्रे हाउंड का नाम है द हेड हंटर
आयरिश ब्रीड है, बड़ा टॉप क्लास का बहुत आउटस्टैंडिंग जानवर है ट्रैक लिहाज दल। ये पाकिस्तान के साढ़े शिकारियों की खुशकिस्मती है कि साढ़े को इंपोर्ट होकर आया, वरना इस किस्म के इस कैटेगरी के इस रेटिंग के कुत्ते बहुत घट पाकिस्तान आए हैं। तो साढ़े वास्ते तो खास करके खुशकिस्मती एक साढ़े को आया। जी पाकिस्तान आया पहली डरबी ची बहुत अच्छा दौड़िया पहला राउंड, उस तो बाद इसकी मसल इंजरी हो गई है तो बाद नहीं दौड़ा सके तो फिर रिटायर कर दिया गया। ये मेरे ख्याल 2019 आया है तो उस बहुत उस डरबी का फाइनलिस्ट कुत्ता है, गेन डरबी का भी फाइनलिस्ट कुत्ता रनर अप है। रेटिंग वाइज प्यो इसका ड्रुपी स्कॉलरी है, माँ इसकी सामिया है, बहुत अच्छी ब्लड लाइन है, बड़ा मजा आता है इसकी पेडिग्री वेखिया इसकी परफॉर्मेंस वेखिया। पाकिस्तान ड्रुपी स्कॉलरी के बच्चे काफ़ी ज़्यादा आए नो ते, लेकिन हर एक को आप अपने कुत्ते साढ़े को जोड़ा इस तो अच्छा कुत्ता होर कोई नहीं। इस टाइम असं स्टार्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटायर है तो जिहड़ी कुत्ती भी क्रॉस कराया है उस जो इस परफॉर्मेंस दी है। इसका करंट जोड़े बच्चे की बिल्कुल 16 महीने का बच्चा पैपसी ना तो दौड़ता पाया, एक डरबी का फाइनलिस्ट है तो ज़्यादातर डरबी का सैमी फाइनलिस्ट है, दो दफा डोरिया भी ट्राई किया है, मोमा दाले थर्ड आया, यूनिवर्सिटी बड़ा व्डा इवेंट आ उस दे विच भी इसने इनाम मिले, चौथा इनाम मेरे ख्याल मिले। तो इसकी एक उसकी बहन है जी, वो बड़ी अच्छी दौड़ी है लिया क्वीन ना ते, उस तो इलावा एक काला आया ना था साडा साडे ग्रुप विच कुत्ता जी, वो होर कुत्ती दा है, उस ते मिलाया उसका बच्चा वह भी फस्ट आया, बड़ी अच्छी रेस हुई हुई है रजोका कौर सिंह पार्क। उस तो इलावा वाह जुगनू वाह एक खोखा फ्रेंड ग्रुप पर दौड़ता पाया बक्सियां दा, बहुत अच्छा कुत्ता है, वह भी ज़्यादातर डरबियां दा फाइनलिस्ट है। तो तकरीबन जिहड़ी कुत्ती ते भी क्रॉस कराया ना जी, हर कुत्ती तो ही रिजल्ट दे रहा। इस टाइम इनकी उम्र तकरीबन 8 साल एक होगी। पाकिस्तान 2019 च आया। पाकिस्तान एक ही रेस दौड़िया तो इंजरी हो गया, ये पिछू असल इंजर पिछू ही आ, लेकिन साढ़े पाकिस्तानियों मुड़े मिलते ही इस तरह भी अगर कोई इस तरह का कुत्ता इस कैलीबर का हो तो इंजरी मिल सकता, अगर इंजर्ड ना होता तो ये कि मुश्किल आ साढ़े को इंपोर्ट ना किया जा सकता। नहीं जी ग्रुप तो साढ़े ना इंपोर्ट किया तो असं उस तो बाद लिया जी। भाई जी इसका नाम बैर त्यार नो बाडी केयर, यूके तो इंपोर्ट किया जी, तो इतने जी बजदा रहा ब्रेटली के ना तो पिछले सीजन सलियांदा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिता है कुत्ते जी, हर डरबी के फाइनल गया है जी, कोई डरबी नहीं जिस दे फाइनल ना गया हो, बस असी ये साड़ी कोई बदबख्ती आई जिस वजह तू फाइनल नहीं जित सकिया, नहीं तो कुत्ते कोई ना आई जी कमी होंगी। और इस सीजन भी अस बजेंदे रहे इस सीजन भी तकरीबन डेढ़ डरबिया फाइनल गया है, कोई एक दुकारी मिस हुई है जी, तो डोरिया फिर बजाई हैं जी, असा डोरिया भी एक दो जीती हैं जी, तो कोई रनर अप भी आए बिच एक दो डोरिया का। कितनी उम्र इंपोर्ट किया जी? 3 साल का इंपोर्ट किया जी, 2.5 तो 3 साल का। किस मुल्क से किया जी? यूके तो जी इंपोर्ट होया जी, तो ये किड़ा है फिर इतने मुड़ असर लिया, तो रिजल्ट बड़ा अच्छा दिता जी, वैसे हूँ असर स्टार्ट डाक दिता जी, तो हूँ कुतिया तो बस अल्लाह खैर करे जी मिलते पे, अपन कुतिया तो मिले तो बहार जो कोई नहीं मिले। इस उम्र तकरीबन उस जी 4.5 साल 5 साल, बड़ा जज्बाती कुत्ता है जी, ये इसका जी कि प्यो है ना वो आस्ट्रेलियन ब्लड लाइन इचू है, ब्रेटली एक आस्ट्रेलिया का कुत्ता होया जी, ब्रेटली बालर जड़ा है ना जी आस्ट्रेलिया टीम में एक ब्रेटली बालर होया फास्ट बालर, उस कुत्ता रखे हुआ ब्रेटली, बहुत अच्छा कुत्ता जी, उस
कुत्ते का कोई बच्चा है जिहड़ा इसका प्यो है जी, तो उस वजह तो लिया है भी आस्ट्रेलियन ब्लड लाइन जी पाकिस्तान ज़्यादा कामयाब होती है, क्योंकि उन्होंने मौसम तो साढ़े मौसम में थोड़ा सारा, क्योंकि वो भी सख्त मौसम होता है, साढ़े को भी सख्त मौसम होता है, तो आस्ट्रेलियन ब्लड लाइन उन भी थोड़ी सारी जज्बाती होती है, तो इस वजह तो यह सारा लिया भी ब्रीड वास्ते ही है, तो हूँ कुतिया क्रॉस करेंदे पाया है, तो इंशाल्लाह सानू उम्मीद है भाई ये किहड़ा है कुत्ता अच्छा रिजल्ट दसी गया, तो अल्लाह पाक उन खैर करे जी, कुतिया छुतियां जो सूमन वाली हैं बेचो। हाँ जी, ये जनाब कुत्ती है जी, इसका नाम जी टमोरा ब्लेस, आयरिश ब्रीड है, आडियो अलॉन्सो इनका प्यो है, डर्बी ट्रायल स्टैक विनर कुत्ती है, बहुत अच्छी कुत्ती है ये जनाब वाली, असा उत्थे बाय की आई आयरलैंड, तो उस टाइम फिर ये बच्चा जनाब वाली डैनी टमोरा डैनी इसका बच्चा है जी, इस दे प्यो का नाम है बैली मेकबेस्ट, डर्बी ट्रायल स्टैक विनर आ, फिर आल एज कप एक विनर है, तो डर्बी के चौथे राउंड हरिया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ये जनाब रही है भाई, ये पहली दिना डर्बी कोर सिंह ब्रीड का कुत्ता होकर दिना डर्बी फेवरेट रहा, तो फाइनलिस्ट होया, थर्ड पोजिशन मिली, उस तो बाद कुत्ता इंजर्ड हो गया, इंजरी तो बाद असी इस तरह परफॉर्मेंस नहीं लै सके क्योंकि इंजर्ड आ कुत्ता, तो बड़ी मजे की गल है भी जी, ये कुत्ता फिर असा पाकिस्तान लिया के इतने की ब्रीड कराए, पाकिस्तान ब्रीड कराए, पाकिस्तान ब्रीड के पैप्सी ये आया जी, इस दे उत्ते कुत्ता क्रॉस कराया गया हैड एंटर, हैड एंटर दा टमोरा ब्लेस दा ये बच्चा माँ आलू ये डैनी दा भाई है, माँ इन्हां दोवां दी टमोरा ब्लेस ही है, ठीक है, उस तों इलावा इस दे नाल इहदी एक बहन माशाला बहुत अच्छी दौड़ी है, लईया क्वीन दे नाँ ते नीली लईया क्वीन, बहुत अच्छी परफॉर्मर बच्ची वह भी है, ये भी 17-18 महीने दौड़िया, वह भी 16-17-18 महीने इस साल दौड़े नूं, फिर बड़ी मज़े की गल है जनाब भी इस कुत्ती टमोरा ब्लेस इस कुत्ती की मासी है, पंजाबी जैसे मासी कहने इस दी माँ तो ये बहना नो, ये टमोरा ब्लेस है, वो टमोरा फलोस है, ये टमोरा फलोस की है, ये जी है टमोरा है एन जी, इस दिन टमोरा एन जी है, ये स्वेटी ना तो इतने पाकिस्तान दौड़ी है, बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दिती है, अनबिलीवेबल जी सा सोच तो वह अल्लाह तला सा इज्जत दी, तो उस करम नाल ये होया भी इस सीजन ये असा बक्सियां दौड़ाई, बक्सियां दौड़ावन के सू रिजल्ट मिलया भी एक उस कैलीबर की उस कैटेगरी की कुत्ती नहीं भी जिस तरह परफॉर्म उत्थे कर सकी है, उत्थे इंजरी थोड़ी बाली पाकिस्तान आके उस टाइम डर्बियां के बहुत अच्छे कुत्ते दौड़ रहे हैं खोखा फ्रेंड वाले के, तो ओवरऑल डर्बियों जीते पियान उन्होंने सारे कुत्तियां नूं मार के जिहड़ा हार्ट फेवरेट कुत्ता उन्होंने इस तीन हिटां दे विच लगातार मारिया तो डर्बी इस विन की, तो फिर हर डर्बी दे विच ये डेंजरस रही है अपनी हिटा च सब तो अच्छे टाइम इन्हें होंगे, अगर उस तो बाद डर्बी कोई नहीं जीत सकी तो वह बदकिस्मती कुछ विच मसले मसैल बन गए, तो कुछ इस दी अपनी बदकिस्मती तो फिर डोरियां तेनों असां ट्राई किया, डोरियां तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक दिन ही असा उ एक रनर अप रही है, उस तो बाद फिर यूनिवर्सिटी बहुत वड्डा इवेंट होया उस दे विच भी रनर अप बड़ी नोज तो फैसला होया, बड़ी टॉप क्लास की कुत्ती है, फिर इसका भाई असा पिछले साल इंपोर्ट किया, बहुत अच्छा दौड़िया लवा कतूरा 14 महीनों का हो के तकरीबन हर डर्बी के फाइनलिस्ट होया, और वह भी बैंड जो हर दे विच हार्ट फेवरेट वो कुत्ता रहा, तो ये सीरीज जो है चारे नो ये एक ही नशा लैन इस दे दो बच्चे है इस दी बहन दी है, तो साढ़े को बड़ी खुशी की गल है पाकिस्तानी विच लोग सा तो पुछते हैं भाई पैप्सी तो डैनी किवें भाई नो, डैनी तो इंपोर्ट किया इंपोर्टेड कुत्ता है ये कंट्री ब्रीड है, उन्हें फिर अस दसते हैं भी ये साड़ी कुत्ती असा उत्थे भी सवाई आई फिर इतने भी सवाई है, तो इस दी बहन भी उत्थे साढ़े कोल है, इस दी जिहड़ी माँ है ये उत्थे भी उन्हें साढ़े बच्चे बजते पैन, डर्बी भी दौड़िया एक बच्चा आंदा, तो उन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे दौड़ते पैन, एक इस दी जिहड़ा दुए गुरे दी है बहन वो ऑक्स जिहड़ी ट्रायल स्टैक विनर होई आई तो ऑक्स दौड़ी उस हर गई, तो ये चोरी साहब दे माशाल्लाह तो साढ़े कैनल की बड़ी खुशकिस्मती है भी साढ़े कोल उत्थे कुत्ते भी वो ही दौड़ रहे हैं जिहड़े इत्थे पाकिस्तान दौड़ा रहे हैं, इस कुत्ते दा नाम है जी अंसविला, आयरिश पेडिग्रीज नाइन नाम है अंसविला, तो पाकिस्तान ने जैसे नाँ रखा चनियोट क्वीन, पहली दफ़ा असा दौड़ाई है जनाब आली दीना डर्बी, बहुत अच्छी बड़ी क्लास की दौड़ी सेमीफाइनल बिल्कुल नोज़ तैयार गई, उस तो बाद असा डोरियाँ ट्राई किया,
डोरिया दो ढिलों के कप उस टाइम बड़े अच्छे हो दोवें फस्ट आई कुत्ती बहुत अच्छी दौड़ी। तो उस तो बाद जनाब बसन कौर सिंह चेक किया, कौर सिंह भी तीन चार कप इस अपने हिस्से के जड़े आन लै बड़ी टॉप क्लास की बहुत अच्छी स्काई वॉकर पोमा की धी है जी इसका प्यो आप बड़ी परफॉर्मर कुत्ती है। इंग्लैंड बहुत अच्छी दौड़ी है उत्थे तकरीबन नौ डोर दौड़ी है जिन्हें सत्तां च इसे क्वालीफाई किया फस्ट आई है। तो 102 रेटिंग की लवी कुत्ती है जी बिल्कुल जी। हूँ उस तो बाद असी नहीं दौड़ा सके नवे सीजन फिर इसकी ब्रीड कराई है इस टाइम इसके बच्चे हैं जी इंशाल्लाह अगले साल जड़े ने परफॉर्म कर सकेंगे तो फिर हम कुत्ता क्रॉस कराया हो जी। ये जनाब अली माशाल्लाह साडा चैंपियन साडा प्राउड बहुत ही क्लास का कुत्ता जी। जितनी इसकी तारीफ असी करिए खुद करिए तो फिर भी घट है तो लोग भी माशाल्लाह कर दें जी। इसका नाम जनाब अली बैली मेक रूल ना इसका प्यो इसका न्यू इन वंडर है माँ इसकी बैली मेक टाउन है बहुत अच्छी बोर्ड बिच है न्यू इन वंडर तो फिर हर शिकारी पता है जी चाहे पाकिस्तान का चाहे कोई आयरलैंड का पूरी दुनिया का वो मोस्टली ज़्यादातर सालों का स्टार्ट ऑफ द ईयर वो ही बनया। ये जनाब अली बहुत ही क्लास का कुत्ता डरबी का बहुत ही फेवरेट कुत्ता लेकिन उस टाइम करोना की वजह तो डरबी उत्थे ना हो सकी इंग्लैंड है फिर उत्थे दे शिकारियां एक कप कराया कौर सिंह ब्रीड का रैड एंड वाइट कलर उसके नाँ डरबी रैड एंड वाइट कलर डरबी वो दौड़ाया गया बहुत ज़्यादा तकरीबन आयरलैंड इंग्लैंड के मोस्टली कुत्ते तकरीबन कौर सिंह के सारे ही दौड़ाए गए उस दे विच ए कुत्ता फस्ट क्वालीफाई किया इस चैंपियन बनया बहुत ही क्लास के बहुत व्डे मार्जन नाल इस कुत्ते मारिया तो कौर सिंह ब्रीड हो के बहुत अच्छी रेटिंग का 120/22 की रेटिंग इस की पाकिस्तान च असा इस दफा इनू इंपोर्ट करके लाया इसे उत्ते साडे कोल दौड़दा रहा पाकिस्तान ने थोड़ी जी हल्की जी इंजरी हो गई आई उस वजह तो असी मुकम्मल तो इस तू परफॉर्मेंस नहीं ले सके लेकिन फिर भी पाकिस्तान बहुत अच्छा दौड़िया है। लेकिन साड़ी ख्वाहिश यही आई भी ये दौड़े या ना दौड़े साडे वास्ते ये स्टड सन इत्थे मिले तो ये साडे वास्ते बड़ी वड्डी खुशकिस्मती है भी बैली मेक रूल साडे कोल है सन फखर है ये भी बस अगर साडे कोल ना हुंदा तो उत्थे भी स्टड खड़ा होया क्योंकि इस दी माँ के बच्चे भी तकरीबन ज़्यादातर उत्थे भी दौड़ रहे ज़्यादातर बहुत अच्छी कुत्ती है तो ये साडा फखर है। तो इस गल की वड्डी सब तो खुशी ये है तो शुक्र उस जात का बे इस टाइम साढ़े को कितने स्टड एक छत के थले खड़े न जिस शाइन डैमेज हाईबरी हैड हंटर बैली मेक रूल टमोरा डैनी बैली मेक मिंडी ब्रॉडवेल कितने असी ना लवीए तो वह भी एक जगह पर एक मौके पर मौजूद हैं तो जिंदगी का बड़ा संत खुशी है शुक्र उस जात का जी भी अल्लाह ताला सानू जिहड़ा इज्जत दित्ती हुई तो इतने बच्चे साडे कोल स्टार्ट खड़े नो तो थोड़े टाइम के विच ही इतना इंप्रूव किया है। तो सारा ये शौक शिकारी भाइयों वास्ते है ताकि पाकिस्तान का शौक इंप्रूव होवे अच्छे अच्छे स्टड होवन अच्छी ब्रीडा बने तो अच्छे मुकाबले होवन तो सारे बिरा इस शौक से लुत्फअंदोज हो जाए। ये कुत्ती माशाल्लाह बहुत ही क्लास की कुत्ती है बैली मेक मर्ज इसका नाँ है जी आयरिश ना पेडिग्रीज ना यही है। इस कुत्ती की तारीफ थानू मैं अपने मूँह की करनी है बैली मेक मर्ज वो कुत्ती है अपने दौर दे विच जेड़े भी साडे कोल पाकिस्तान कुत्ते आए उन्हें अक्सर कुत्तियां नू इस मारिया चार रेसां दी ये सैमीफाइनलिस्ट है एक रेस उत्थे जीती है चैंपियन ट्राफी दौड़ी है बहुत अच्छी कुत्ती है बड़ी क्लास की जी कुत्तियां दी चैंपियन ट्राफी हुई मुड़ वड्डी गल ये है भी इसका कुरे का भाई बॉयल स्पोर्ट्स मैजिक वो इंग्लैंड दी डरबी दा नेशनल मीटिंग चैंपियन ट्राफी कीवन समिथ चैंपियन ट्राफी दा विनर कुत्ता है एज ए स्टड खड़ा है उत्थे वो इस दे गुरे दा भाई है ये खुद बहुत ज़्यादा परफॉर्मर कुत्ती है तो साढ़े वास्ते इस तो वड्डी खुशकिस्मती होर कोई भी नहीं भी ये आयरलैंड दी भी बोर्ड भी टॉप दी हो सकती है जिहड़ी साढ़े कोल इस टाइम खड़ी है। तो मैं बिल्कुल दावे नाल आंदा भाई इस लेवल की कुत्ती जी ना वो घट शिकारियों को है शौक शिकार सारे शिकारियों का अपने लिहाज नाल बहुत अच्छा है लेकिन साढ़े को तो खुशकिस्मती है साढ़े को इस तू पहले कुत्ती कोई इस लेवल की अच्छी कौर सिंह ब्रीड की नहीं आई तो उम्मीद है भी होर भी किसी शिकारियों को हुई तो कोई घट हो सी लेकिन बहुत टॉप क्लास बड़ी तेज़ कुत्ती है जी तकरीबन ज़्यादातर कुत्तियां नाल दौड़ी जेडे उस दौर इस दौर आए हैं उन्हें सारे ने ज़्यादातर मारिया
साढ़े को अपने को पिक्चर उस बड़ा टॉप क्लास दाइबे फील्डर भी दौड़िया उन्होंने भी मारिया वो डरबी भी दौड़ी जाए बड़ी क्लास दी जाए हर लिहाज न साढ़े को परफॉर्म इस तरह ना कर सकी भी साड़ी खैश भी कोई नहीं भी इन दुड़ाइए या कोई इस तरह का कोई मसला बने क्योंकि साड़ा मकसद ये आ इन ब्रीड वास्ते तो इसकी ब्रीड हूँ कराई है हूँ भी इसके बच्चे हैं माशाल्लाह तो इस तू पहले भी इसके बच्चे हैं जी इंशाल्लाह अगले साल दौड़ेगा तो उम्मीद है भी इसते जड़ा है फायदा मजीद सन भी होगा साढ़े शिकारियों सारे भी उस अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम उमर शहजाद मल्ली तो चनाब नगर का मैं रहने वाला तो यह साडा छोटा जिहा शौक है जी ग्रे हाउंड का ग्रे हाउंड दियां रेसां च असीं पार्टीसपेट करने हां तो ग्रे हाउंड जिहड़े ने उहनां नूं असीं ब्रीड भी कराने हां तो बाहरों इंपोर्ट भी करने आयरलैंड तो ज़्यादातर जिहड़े ग्रे हाउंड ने असीं आयरलैंड तो ही लैके आउंदे हां हूँ तकरीबन पिछले दो तीन साल तो असीं कोशिश करन डे हां कि इत्थे ही ब्रीडिंग अपनी कराईए ये भाई जान तकरीबन रफली रफली कोई 30-35 कुत्ते इंपोर्ट किए सारे जे जिदू कुत्ते असी बाहरों लैके आने जी सारे शिकारी वो सारे कोशिश यही करते हैं कि बेहतरीन लैके आ तो जिहड़ा जिदू खरीदने उदों भी असी बड़ा वो पसंदीदा ही हुंदा जिहड़ा खरीदने जिहड़ा बंदा भी जिहड़ा शिकारी भी ग्रे हुण खरीदे ना जी उहदा पसंदीदा हुंदा है बड़ा फेवरेट हुंदा है चंगा हुंदा है तां दी वो खरीदा है तो वह फिर इत्थे लैके आउंदा है रेस वास्ते बाकी जिथों तक सवाल है कि मेरा फेवरेट जानवर जिहड़ा मैं खरीद के लिआंदा मैं सब तो पहला जदों एक कुत्ता लैके आया सां पिक्चर हाउस वो बड़ा मेरा फेवरेट कुत्ता सी बड़ा अच्छा अच्छा सी परफॉर्मेंस दे लिहाज नाल भी पेडिग्री दे लिहाज नाल ब्रीडिंग दे लिहाज नाल भी बहुत बेहतरीन सी ते उस तो बाद इच होर भी कुत्ते जिहड़े ने काफ़ी मैनू काफ़ी कुत्ते होर भी पसंद ने तकरीबन आलमोस्ट मतलब मैं बड़े प्यार नाल मतलब जानवर भाई जी खरीदना जिहड़ा जानवर बहुत दिल नूं चंगा लगे वो ही खरीदीदा है तो वही लैके आईदा उन्हां च फिर मुड़ कुछ इत्थे आके अच्छी परफॉर्मेंस भी दे जांदे कुछ नहीं भी दे पाते मतलब कोई अगर कोई मसला बन जाए फॉर एग्जाम्पल अगर कुत्ता कोई इंजर्ड हो गया है या इत्थे आके मौसम नाल उहदी तबीयत नहीं मिली या साडे वल्लों कई बार कसर रह जाती कि असी उहदी मतलब उन्नी परफॉर्मेंस नहीं लै सकते जिन्ना को कुत्ता चंगा हुंदा है तो सारे जानवर तकरीबन बड़े मेरे फेवरेट ने मैनू इन्हां नाल बड़ा भाई जी प्यार ते ज़्यादा जिहड़े जानवर ने ना जी आयरिश ही हुंदे ने आयरलैंड तो लैके आए थे यूके तो एक दो कुत्ता यूके तो भी आया है तो ज़्यादातर बारे मेन जिहड़ा ना वो आयरिश कुत्ते ने आयरिश ब्रीडिंग ही हूँ इस वक्त तकरीबन साढ़े को जड़े ने ना कुत्ते तकरीबन 16 कुत्ते खड़े ने 16 कुत्ते ही इंपोर्टेड ने जड़े खड़े ने तो दो या तीन पप ने कंट्री ब्रीड एक जड़ा पैप्सी मतलब इस सीजन भजया भी बेहतरीन भज गया एक होर पप तो आ रहे साढ़े को हाइबरी का है अगले साल वो भी इंशाल्लाह तला भज जाएगा बाकी आलमोस्ट सारे जेडे 16 ने इंपोर्टेंट ने 4-5 ओ फीमेल्स ने बाकी भी मेल ने अच्छे जानवर की तलाश होंगी बेशक वो फीमेल कोई अच्छी मिल जाए या मेल मिल जाए लेकिन उंज ब्रीडिंग वास्ते फीमेल जदों अं लेने कोशिश करने कि चलो थोड़ी भज भी जाए तो बाद ब्रीड करा लाँगे पहला जो अं शौक शुरू किया सानू कोर्सिंग का बड़ा शौक सी
ज़्यादा कोर्सिंग नहीं करवाना चाहिए जानते समार साहब जी सारे हाँ जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ भाई ने भाई अब्दुल भाई जमीर राज रुस्तम ग्रुप के उन्होंने सानू कोशिश की कि तुसी ट्रैक वाल आओ बॉक्स रेस वाल। पिछले तकरीबन 3 साल तो असी तीन सीजन हो गए सानू बॉक्स भी ग्रेहाउंड दिलाने वो सानू बॉक्स वाला जिहड़ा सिस्टम है बड़ा पसंद आया क्योंकि ये थोड़ी ना मतलब एक काम भी थोड़ा ईजी है कोर्सिंग नालों तो असी बड़ा इंजॉय किया। हूँ असी लगता इस तरह जिवें पक्के हो गए ट्रैक वाल। सब तो ज़्यादा मुश्किल रेस के ही लगती है तुम कोर्सिंग या ट्रैक या बॉक्सिंग रेस? मुश्किल मुश्किल जी कोर्सिंग थोड़ी मुश्किल है कोर्सिंग मुश्किल है ट्रैक की बनिस्बत क्योंकि 3 दिनों के कुत्ते बहुत ज़्यादा दौड़ना पैंदा वो जिन्ना उन्होंने दौड़ना पैंदा फिर मालक ने उन्ना ही उन्होंने संभालना भी पैंदा बार बार दौड़ाने वास्ते। ट्रैक जी ये सिर्फ एक राउंड एक दिन उन्हें भजना टाइम नाल बंदे भी फारग हो जाते हैं टाइम नाल वापस कैनल ते आ जाने इस वास्ते ट्रैक जी ईजी यही समझने। शिकारियों मैसेज जी मैं एक गल महसूस की है ना कुछ मैं तकरीबन ज़्यादा इन्ना पुराना भी शौकीन नहीं 6-7 साल हो गए ने इस शौक सारे लोग बड़े चंगे ने सारे शिकारी भाई बड़े चंगे ने मोस्टली मतलब पढ़े लिखे लोग ने चंगियां फैमिलियां तो ने इस शौक कभी कभी छोटी मोटी कोई ऊंच नीच भी हो जाती है ग्राउंडा च लेकिन फिर जो सीनियर बंदे ने मामला सैट कर लेंगे बहरहाल ये कि एडवाइस भी एडी कोई नहीं केड़ी एडवाइस है सिर्फ यही है कि अगर कोई मसला मतलब जो कोई बने करे जेडे बंदे वड्डी उम्र के ने सियाने ने उन्हों का फर्ज बनता है कि वह छोटिया प्यार नाल कोई गल समझा लैन कर तो इस तरह ही मामला चलते रहने तो समझाते भी ने बड़ा खुश सलूबी नाल काम चलता पाया जी।